जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूं झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पल्स पोलियो रैली का शुभारंभ किया गया। रैली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर से तहसील SDM कोर गरौटा चौराहा होते हुए वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आई, जिसमें समस्त कर्मचारियों द्वारा कल बूथ पर जाना है, पोलियो दवा पिलाना है, पोलियो मुक्त हो भारत अपना ना छोड़ेंगे, अब की बार कोई भी बच्चा कोई भी द्वार आदि नारे लगाए गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RG संकवार द्वारा सभी जनमानस से अपील की गई कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को कल बूथ डे पर ले जाकर पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा जरूर पिलाएं, जिससे बच्चों को विकलांगता जैसे अभिशाप से बचाया जा सके। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर के परिसर में उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पल्स पोलियो तहसील स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक बंगरा व मऊरानीपुर के ब्लॉक लेवल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त पल्स पोलियो सुपरवाइजरों ने प्रतिभाग किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RG शंखवार द्वारा बताया गया है कि आगामी पल्स पोलियो अभियान दिनांक 31 जनवरी 2021 से प्रस्तावित है। 31 जनवरी को बूथ डे पर प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक एवं घर घर भ्रमण दिनांक 1, 2, 3, 6 एवं 7 फरवरी को होगा, जिसका समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है। टीम एक्टिविटी 9 फरवरी 2021 मंगलवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। VOPV वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। मऊरानीपुर क्षेत्र में 5 वर्ष तक के 32,698 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं घर घर का 41,851 का लक्ष्य है, जिसमें 22 सुपरवाइजर, 5 मेडिकल अधिकारी, 70 टीमें, 98 बूथ एवं 5 ट्रांजिट बूथ बनाए गए हैं। इसी बीच में दिनांक 4 व 5 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर COVID-19 टीकाकरण किया जाएगा तथा 31 जनवरी 2021 को सभी प्राथमिक विद्यालय खोले रहेंगे। मिड डे मील का वितरण होगा एवं बच्चों की बुलावा टोली बनाई जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर देशराज, डॉक्टर RG सिंह, डॉक्टर राम सहोदय, SK दमेनिया, जयपाल सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी आदि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट।